अच्छा एक चीज और, ये सीट कवर की जो क्वालिटी है कितने से स्टार्टिंग हो जाते हैं हमारे पास? हमारे पास 2500 से स्टार्टिंग हो जाते हैं। तो ये वाले की रेंज क्या होती है? ये है मतलब मैं इनको डाला हूँ 7500। 7500 में कोई भी बंदा आपको फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा नॉर्मल स्टूडियो में नहीं लगाएगा। अच्छा नॉर्मल स्टूडियो के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है? सब कुछ किया हूँ। बहुत बढ़िया। कोई भी बंदा ये नहीं कर पाएगा। आपको कोई मार्केट में बोलेगा आपको स्टूडियो चेंज करना पड़ेगा तब आगे आपसे चालू होगा। दोनों तरफ से चीयर्स है। चलो बहुत बढ़िया। वाइन की बॉटल है, अदरवाइज मैं वो भी खोल देते हैं। और बात करते हैं अलॉय व्हील का। मेन बात होती है अलॉय व्हील, क्योंकि लोग लगवाना चाहते हैं पर लोगों को अच्छे रेट नहीं मिलते हैं। तो हम बात करें अगर अलॉय व्हील हम लगा रहे हैं तो अप्रोक्स क्या प्राइस रहेगा? सत्ताईस हजार में आपको अलॉय व्हील मिल जाता है बेस टू टॉप के लिए। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, आप देख रहे हैं गेट इंस्टॉल। और भाई अभी मैं हूँ ऑटो ड्रीम कार एसेसरीज पर और मेरे साथ में भाई, एक बार भाई अपना नाम शेयर कर दो यार। जी मेरा नाम सचिन कुमार है। सचिन कुमार भाई का नाम है। और आज हम कौन सी गाड़ी दिखाने वाले भाई? फ्रॉन्क्स है, ये बेस मॉडल है, इसको टॉप बना रहे हैं। बिल्कुल टॉप बना दोगे जी। तो बेस मॉडल से टॉप बनाने के लिए भाई आप लोग क्या लगा रहे हो उस गाड़ी के अंदर? इसमें फ्रंट से बात करने आइए। बिल्कुल फ्रंट से बताओ, ये बहुत बढ़िया बात करी आपने। फ्रंट से लेकर यहाँ से बताओ। टॉप मॉडल डीआरएल लग रहा है। अच्छा जी हाँ। तो पहले इसमें एक नॉर्मल डीआरएल हम लोगों के पास मिलती थी ना, हैलोजन वाली। वो नॉर्मल डीआरएल हैलोजन वाली थी, इसमें टॉप मॉडल ये लग रहा है। ठीक है, तो भाई ये वाला आपका बिल्कुल फिटमेंट के साथ लगेगा, मतलब एकदम बढ़िया फिट होकर लगेगा। इसकी वायरिंग की बात करूँ तो भाई कैसे होगी? कपलर टू कपलर रहता है इसकी वायरिंग। अच्छा, पहले ये था नॉर्मल, ठीक है, उसमें ये लग रहा है। पहले ये था नॉर्मल, अब इसको चेंज करके हमने टॉप मॉडल वाला लगा दिया। भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? इसमें एलईडी लग रहा है। एलईडी लगाएंगे 130 वॉट। कौन सी कंपनी की भाई? ट्रैक्सर की लग रही है। ट्रैक्सर की एलईडी लगाएंगे हम इसके अंदर, मतलब आर पार की रोशनी हो जाएगी ना। और इसमें पियानो ग्रिल लग रही है, जो ग्रिल पियानो पे गया हुआ है। अच्छा पियानो करवा के फिर लगा दोगे? बिल्कुल टॉप मॉडल वाला लुक दोगे, अल्फा वाला ना? अल्फा वाले। ठीक है, उसके बाद भाई यहाँ साइड प्रोफाइल की बात करें, यहाँ पे क्या क्या चल रहा है? साइड प्रोफाइल में यहाँ पे मिरर फोल्डिंग लग रहा है। ठीक है, मेरा फोल्ड जो नॉर्मल था वो हटके मेरा फोल्ड लगेगा। पूरा टॉप मॉडल वाला मिरर भी हमने चेंज कर दिया साइड में। ठीक है, और ये इंडिकेटर क्या होगा भाई? इसमें वो लगेगा, वो इसके फेंडर लगेगा, इसमें भी फेंडर गार्निश जो अपनी आती है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है भाई? इसमें मोरल की डैम्पिंग लगी है, साथ में मोरल की कंपोनेंट लगे हैं। अच्छा मोरल के ही कंपोनेंट है MK2 सीरीज। और इसके साथ इसमें एम्बियंस लाइट लग रही है अपनी। ठीक है, ये कितने पीस वाली भाई? ये अपनी 6 पीस लग रही है, K4 मतलब टॉप मॉडल वाली लग रही है, बिल्कुल जो टॉप में आती है। बहुत और ये इनर हैंडल भी लगा इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब गेट का सारी एक्सेसरीज लग रही है साथ में। इसमें साथ में इसमें वो भी हुआ है, सॉफ्ट टच भी वो हो रखा है, दरवाजे और भी है। अच्छा एसी चालू कर रहे हैं हम इसका? एसी इसमें नहीं चालू करना है पर आर्मरेस्ट लगाने हैं। अच्छा एसी चालू नहीं कर रहे हो लेकिन आर्मरेस्ट लग रहा है, अगर किसी को चालू करना हो वो भी चालू कर देंगे, हो जाएगा चालू। और इसमें फ्लोरिंग हो रही है। ठीक है, फ्लोरिंग है नॉर्मल वाली है अपनी। हाँ, एक इसके अंदर एक फ्लोरिंग और आती है ना भाई? हाँ, डाई वाली आती है पर कस्टमर बोले मेरे को नॉर्मल लगाना है, इसलिए नॉर्मल लगा है इसमें। नॉर्मल तो इसका जो बजट है वो डिस्कस कर लेंगे हम लास्ट में एक बार। हाँ, और क्या क्या बजट रहा है? और इसमें गियर नॉब भी लगा है, ये भी बेस मॉडल है। ये देखिए ये लगेगा गियर नॉब, मुझे स्टीयरिंग भी दिखाई दे रहा है भाई। हां स्टीयरिंग भी लगा है टॉप मॉडल वाले। ठीक है, अब बात करते हैं अगर इसकी। और इसमें एंड्रॉइड भी लगेगा और स्पीकर भी लगा है। एंड्रॉइड कौन सा लगा रहे हो भाई? एंड्रॉइड आपको लगेगा वर्ल्ड टेक का लगेगा। हाँ। 4/32 लगेगा, कार प्ले एप्पल का 4/32। और अलॉय की बात करें तो भाई ये अलॉय भी लगा है, पहले इसमें रिम था अभी अलॉय लगा है, तो रिम चेंज करके आपने अलॉय लगा दिया। अभी लगाया हूं। बहुत बढ़िया, तो ये गाड़ी भाई बिल्कुल टॉप एंड पे तैयार हो रही है। अगर बात करें इसके बैक साइड की तो वहाँ क्या हो रहा है भाई? बैक साइड में आपको यहाँ पे कैमरा लगेगा। अच्छा, और टेल लाइट लग रहा है इसमें। टेल लाइट भी लगा रहे ना? हाँ। ठीक है, तो मतलब इसमें A to Z फ्रंट से लेकर बैक तक साइडों में अंदर जितनी भी चीज होती है सारी चीजें हम लोग इसके अंदर सारी चीज इसको बेस से टॉप बनाने हैं। तो मतलब भाई ये गाड़ी आपके लिए ना एक इंस्पिरेशन हो जाएगी बिल्कुल टॉप मॉडल वाली। हाँ जी। और इसमें पीछे रिफ्लेक्टर भी लगा है। ठीक है, रिफ्लेक्टर भी इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो अभी इसके सबके कनेक्शन होंगे, एक बार में चालू हो जाएगी पूरी गाड़ी है ना। उसके बाद दिखाता हूँ इसकी साउंड भी सुनाऊंगा आपको, उसकी लाइटें भी दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या लगाया भाई? ये इसमें कोएक्सल लगाया, मोरल का ही कोएक्सल। मोरल का ही लगाया है। हाँ, मोरल का ही लगाया। मतलब क्वालिटी वाली चीज है कि फ्रंट फ्रंट में नहीं लगाया, कि फ्रंट में लगा करके और पीछे कुछ और लगा दे। आगे भी मोरल है, पीछे भी मोरल है। आगे हमने कंप्लेंट लगा दिया, पीछे कोएक्सल। आवाज आर पार आएगी। इसमें भैया वो लगा रहे एम्पलीफायर वगैरह कुछ लगा रहे हैं? एम्प भी लगेगा और बूफर, एम्प और एम्पलीफायर और बूफर लगेगा, बूफर भी लगेगा। मतलब साउंड के मामले में बढ़िया हो जाएगी गाड़ी। टॉप मॉडल तो बना ही रहे हैं भाई, फ्रंट से भी, बैक से भी, साइड से भी। और ये निकाल दिया भाई इसका आर्मरेस्ट का, लगेगा। ठीक है, इसका है ये पहले जो बेस मॉडल लगा हुआ था ना भाई, ये भाई ने निकाल दिया। अब इसकी जगह हम लगाएंगे टॉप मॉडल वाला। तो लगाने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कैसा होता है और लगते वक्त कैसा हो जाता है। ये देखो ये भाई कुछ ऐसे घुमा के निकाल दे, निकल जाएगा भाई नोब। ये देखो भाई आपके सामने लाइव ही देख लो आप लोग ना, थोड़ा सा जुकाम हो रहा है मेरे को लेकिन आवाज़ थोड़ी चेंज है, लेकिन देख लो एक बार कैसी लग रही है। बढ़िया भाई, कितनी खुशी से खोल लो यार तुम, इतनी कितनी खुशी है तुम्हें खोलने की? मतलब हटा के बिल्कुल ही टॉप बना दूंगा एक मिनट में ना।
ये देखो ये लो जी आपके सामने एकदम लाइव कर दिया ना, लाइव बिल्कुल मॉडिफिकेशन कर दिया टॉप मॉडल वाली। आप भी बोलोगे भाई जो चीज़ तैयार करिए गाड़ी वो कुछ करते हैं, मतलब ऑटो ड्रीम पर अगर अपने आप फ्रॉन्स लेके आ रहे हो, क्योंकि कई सारी फ्रॉन्स तैयार कर चुके हैं ऑलरेडी। लास्ट में कुछ प्रोडक्ट की बात भी करेंगे और प्राइसिंग की बात भी करेंगे, ताकि आप लोगों को आसानी हो घर बैठे ये जानने की कि एक्चुअल में गाड़ी कितने की रेडी होती है। भाई ये वाला बॉक्स किस चीज़ का है भाई? ये है टॉप मॉडल का अमरेस्ट, टॉप मॉडल वाला अमरेस्ट है। ये देखो भाई पूरा डब्बा आपके सामने बिल्कुल पैक खोला भाई ने, और इसको खोलना भाई, पन्नी वन्नी निकालो बढ़िया। ये लो जी ये हो गया बिल्कुल आर पार लेवल का तैयार। और ये फ़र्क होता है दोनों आर्मरेस्ट में और इसमें, ये देखो ये बेस मॉडल में जब लग के आता है और इसमें ये लगा हुआ मिलता है आपको, तो ये पार्ट पूरा चेंज होता है ना। पीछे भाई क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं हमें? पीछे आपको एसी लग जाएगा। अच्छा। और इसमें चार्जर भी लग जाएगा, चार्जर भी लग जाएगा। मॉडल में आते हैं। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ें हटने के बाद, ये प्लास्टिक का पार्ट हटने के बाद, ये देखो कितनी बढ़िया तरीके से भाई ये भी लाइव ही लगा दोगे भाई? हाँ भाई ऐसे लग भी गया, बस दो पेज कसने हैं और ये अपना चालू हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया, बस इसके अंदर ये है कि अगर आपको एसी वर्किंग कराना है तो यहाँ से एक पाइप डलता है, वो पाइप का जो भी अगर आप कॉस्ट पे कर रहे हो तो आपका पीछे वाला एसी भी चालू हो जाएगा। ठीक है भाई, तो भाई एक बार इस गाड़ी को पूरा मॉडिफाइड होने देते हैं, पूरा टॉप मॉडल बने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ उस गाड़ी की पूरी मॉडिफिकेशन। ये रही भाई इसकी ब्रांड न्यू टेल लाइट, तो भाई अभी इस टेल लाइट को बाहर निकालेंगे, निकालना भाई। ये देखो भाई, तो ये गाड़ी के अंदर हम इंस्टॉल कर रहे हैं आपकी डिग्गी पे। पहले जो लगी हुई थी वो कुछ ये वाली थी, इसके अंदर आपका जो सेंटर लाइट आपको पता है कनेक्टेड टेल लैंप चलता नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसे चेंज करते हैं, ये वाली लगाते हैं हम। जब गाड़ी के अंदर ये लग जाती है तो गाड़ी की जो डिग्गी का लुक आता है वो आर पार आता, आता नहीं आता भाई फ्रोज गाड़ी में? आजकल तो सभी गाड़ियों के अंदर कनेक्टेड टेल लैंप आ गए हैं, तो भाई ये लगते ही गाड़ी की जो पीछे की लुक है ना वो बिल्कुल बदल जाती है, एकदम चेंज हो जाती है, टॉप मॉडल बिल्कुल लगेगी। ये देखो भाई ये लग चुकी है इसकी टेल लाइट, और ये पन्नी कुछ हमने छुड़ा दी। ठीक है, तो ये छूटने के बाद ये डिग्गियाँ फंसी हुई है, ये छूटने के बाद कुछ ये लुक देगी आपको। अब इसको ऑन करके और दिखाता हूँ आपको, बढ़िया लगेगी। ये देखो भाई अब हो गई गाड़ी पीछे से आर पार, आप लोगों की पीछे से गाड़ी तैयार हो चुकी है। एक कैमरा जो था वो यहाँ पे फिट हो चुका है इसका, ठीक है, और टेल लाइट मतलब इस गाड़ी का जो टॉप मॉडल वाला लुक है वो आप लोगों को मिल चुका है। तो ये इसके अंदर एक रहता है, बाकी आपका जो रिफ्लेक्टर है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, इवन चालू भी कर दिया है, तो ये पीछे का सेटअप इसका चालू हो चुका है पूरा। साइड मिरर तो लग गए हैं और साइड में के साथ साथ प्रॉपर जो वायरिंग है भाई ने बिल्कुल कपलर टू कपलर कर दिया है, जो कि भाई यहाँ से आपका ऑटो फोल्ड भी चालू हो चुका है, परफेक्शन भाई इसको बोलते हैं। पूरी वायरिंग देख रहे हो कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। सो गाइस फाइनली रेडी हो चुकी है अपनी गाड़ी भाई, और अब जो इस गाड़ी का लुक है बिल्कुल ऐसा है जैसे कि टॉप मॉडल का होता है। जी हाँ भैया, बिल्कुल टॉप मॉडल है, कोई इसे बता नहीं सकता कि ये बेस मॉडल है। बेस मॉडल है ना? हाँ। तो भाई कोई कैसे नहीं बता सकता, एक बार बता दो क्या क्या चीज हमने चेंज किया फ्रंट साइड से बताओ भाई। क्योंकि इसमें टॉप मॉडल वाला ये डीआरएल लगा है, डीआरएल लगा दिया हमने, और इसमें पियानो ग्रिल लगा है। इसमें अंदर जो इंडिकेटर ऑप्शन आता है वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। ठीक है, इंडिकेटर भी चलेगा। उसके बाद अगर बात करें जो ग्रिल थी अपनी, पियानो हो गया। जी हाँ ठीक है, और इसमें 130 वाट की एलईडी लगी है। ठीक है, ये देखिए 130 वाट की एलईडी है जिसका रिस्पॉन्स भाई ये देखो काफी ज्यादा बढ़िया आपको देखने के लिए मिल जाएगा, रोड पर कहीं कमी नहीं पड़ने वाली, कोई कमी नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, ये देखिए इसका इंडिकेटर का रिस्पॉन्स, इंडिकेटर का रिस्पॉन्स भी चेकआउट कर लो भाई। और इसमें ये क्रोम लगा, क्रोम भी लगा दिया इसका ना, और इसमें फ्रंट कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, ये देखिए फ्रंट कैमरा, ये देखो भाई कांच छुपा के इन्होंने फ्रंट कैमरा लगाया। इससे फायदा क्या होगा भाई? इससे फायदा ये है कि जैसे फ्रंट में क्लियरिटी दिखा, कोई सामान है किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अच्छा, मतलब बंदा वहाँ बैठा तो बाहर से नहीं दिख पाता बोनट की वजह से। हाँ। तो इसलिए वहाँ पे कैमरा लग गया, मैं सामने का सबको नजर आएगा। और एक बात और करनी है, जैसे मार्केट में कोई फ्रंट कैमरा लगाता है तो बोलता है सिस्टम अलग लगा लो। हाँ। ये लगवा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सिस्टम लेके आओ। हाँ। आपको फ्रंट कैमरा हम लगवा देंगे। हाँ, ये नहीं कि सिस्टम चेंज करो, कुछ चेंज करो। ठीक है, तो भाई देखो फ्रंट साइड में कितनी सारी चीजें लगी है भाई ने, डीआरएल चेंज कर दिया, हेडलाइट में एलईडी, यहाँ पे क्रोम, उसके बाद ग्रिल भी चेंज कर दिया, देन उसका कैमरा भी चेंज कर दिया, इतना सब कुछ हो गया। उसके बाद बात करते हैं भाई साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पर क्या क्या बदल दिया भाई? मेजर सबसे बड़ी चीज क्या लगाई यहाँ पे? पहले ओआरबीएम लगा हुआ है, मुझे लग रहा है अलॉय लगे भाई, और अलॉय लगे हुए हैं। यस, सबसे ज्यादा अलॉय लगे इसके अंदर बड़े भाई। भाई भी भूल गए थे, क्योंकि ये मोस्टली ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत कम लोग इसको लगवाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा खर्चीला वाला सामान होता है, लेकिन भाई ने इसको लगवाया तो बिल्कुल टॉप एंड हो गई, टॉप एंड है एकदम, टॉप मॉडल अलॉय लगे हुए हैं इसमें 16 इंच के, और उसके बाद फेंडर लगे हुए हैं। ठीक है, और इसमें ऑटो फोल्ड मिरर लगा हुआ, ऑटो फोल्ड मिरर हमने लगा दिया, ये लगा नहीं हुआ है भाई, हमने लगा दिया है। क्योंकि लोगों को लगता है पहले से लगा हुआ है, हमने लगाया ऑटो फोल्ड मिरर। और वायरिंग कैसे हुई हमारी? एकदम कपलर टू कपलर जेनुअन वायरिंग, जेनुअन वायरिंग। आप कहीं से एक कट मिले तो बता दीजिए, कस्टमर के सामने हम सारा चीज कपलर टू कपलर किए, कस्टमर से आपको बात करवा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उनसे रिव्यू ले लेंगे। लेकिन जिस टाइम पे लग रहा था, मैंने आपको क्लिप भी बनाई थी उस टाइम पे कि भाई ये कुछ वायरिंग है जो कि मिरर फोल्ड की वायरिंग है, जब इसे हम लॉक करते हैं अनलॉक करते हैं तो ये अपना फोल्ड अनफोल्ड भी होता है फोल्ड अनफोल्ड भी होता है ना। उसके बाद अगर बात करें और क्या क्या लगा भाई? और इसमें एक क्रोम लगा है,
ठीक है, हैंडल क्रोम, और ये लगा है साइड फिटिंग भी लगी है इसमें, ठीक है। और ये जेन्युइन वाली है ना, ये जेन्युइन नेक्सा की जेन्युइन है, नेक्सा जेन्युइन है। हाँ। ये जो है ये आफ्टर मार्केट है या जेन्युइन है? ये गैलियो का है पर एकदम जेन्युइन जैसा ही है, ये आफ्टर मार्केट है ये। अच्छा, हाँ। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद। इस पर ये बिल्कुल दिखने में जेन्युइन लगेगा, लेकिन है आफ्टर मार्केट जो की लॉन्ग टाइम चलता है, और इसका प्राइस भी थोड़ा कम ही रहता है। बहुत बढ़िया चीज है। उसके बाद वायर लगा हुआ है गैलियो का, लुक वाइज क्रोम है, सही लुक है इसका। बहुत बढ़िया, मतलब साइड प्रोफाइल पूरी कर दी है। हाँ, हाँ, अब आ जाते हैं एक बार बैक प्रोफाइल पे, तो यहाँ पर क्या क्या चीज लगा दी भाई आपने? ये इसमें टेल लाइट लगा हुआ है, ठीक है, ये हमने लगा दिया भाई। फिर से कह रहे हैं कि लगा हुआ है, लेकिन हमने लगाया टेल लाइट, आपको सुबह दिखाया तो इस टाइम पे लग रही थी, डब्बे में से निकाली तो इस टाइम भी दिखाई थी। उसके बाद भाई ने यहाँ पे एक छोटा सा कैमरा भी लगा दिया जो कि अपना बैक गियर पे काम करेगा। बढ़िया बढ़िया काम रिस्पॉन्स। इसकी क्वालिटी कैसी है भाई? A1 क्वालिटी है इसकी, बढ़िया क्लियर, वर्ल्ड टेक की A1 क्वालिटी है, ठीक है। और इसमें ये भी लगी है, अच्छा ये वाला डिग्गी वाला डिग्गी पट्टी लगी है, और रिफ्लेक्टर लगा हुआ है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें भाई ने आस पड़ोस से तो कंप्लीट कर दी। एक बार गाड़ी के अंदर बैठते हैं और अंदर की बात करते हैं ना भाई, भाई। तो यहाँ से आ जाओ एक बार, ये गेट में क्या लगा रखा है इस वाले में ये बताओ एक बार। यहाँ पर भाई ये जो आपने लगा रखा है ये सॉफ्ट टच जो ये भाई है। ये सॉफ्ट टच हो रखा है, ठीक है। हाँ, और उसमें एम्बियंस लाइट लग रखा है, एम्बियंस लाइट है ये, K4 अपनी K3 है, K4 है ये रनिंग K4 है, बहुत बढ़िया हैंडल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मोड चेंज कर रहे हैं अभी इसके, तो कलर इस तरीके से चेंज हो रहा है, अब ये रेनबो कलर में हो गई है, तो अभी ये रेनबो चलने लग गई है ना, ठीक है। और क्या क्या चीज चेंज हुई भाई? और इसमें एंड्रॉयड लगा वर्ल्डटेक का, वर्ल्डटेक का म्यूजिक प्लेयर भी लगा दिया हमने, ठीक है। और इसमें इसमें हमने डैम्पिंग भी करी थी ना, डैम्पिंग भी मोरल की हुई है, मोरल की डैम्पिंग और मोरल के कंपोनेंट और मोरल के कोएक्सियल स्पीकर, और इसमें जेन्युइन ये भी चालू किए हुए हैं। अच्छा, यूएसबी भी चालू कर दिया जेन्युइन, बहुत बढ़िया भाई। और ये चार्जिंग भी करेगा? हाँ, चार्जिंग भी करेगा, बहुत बढ़िया। और इसमें गियर नॉब लगा हुआ है जेन्युइन, ठीक है। तो गियर नॉब भी भाई ने इसके अंदर लगा दिया है जो कि बेस मॉडल के अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील चेंज हुआ है, फुल वर्किंग स्टीयरिंग है, देख लीजिए फुल वर्किंग है। यहाँ पे देख लो भाई, आपके म्यूजिक प्लेयर पे आप देखो वॉल्यूम का बटन काम कर रहा है, तो सारी चीजें हो गई हैं और काफी अच्छा लग रहा है। उसके बाद बात करते हैं इनर हैंडल भी तो चेंज कर दिया आपने भाई, इनर हैंडल भी चेंज हुआ है, जेन्युइन नेक्सा का है। और सीट कवर की अगर बात करें तो ये क्वालिटी भैया बताएंगे, क्योंकि ये उन्हीं का डिपार्टमेंट है ना, तो उनसे एक बार पूछ लेंगे कौन सा कपड़ा लगा रखा उन्होंने ना। रूफ लाइट भी लगा, रूफ लाइट भी वाइट कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। तो इस गाड़ी में ऐसा कोई सीज़ ही नहीं है भाई जो आपने छोड़ी हो ना? जी नहीं, पूरा फ्लोरिंग हुआ है, 5D मैट लगा हुआ है इसके अंदर, सारा चीज A to Z काम हो रखा है, देखिए फ्लोरिंग भी हो रखा है, बहुत बढ़िया। A to Z देखिए यहाँ पे ये भी लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, वेलकम लाइट भी लगा दिया, फ्रॉन्क्स का वेलकम लाइट भी हो गया। तो ये सारी चीजें लगाने के बाद गाड़ी अपनी पूरी टॉप एंड तैयार हो गई, टॉप एंड। हां, बेस्ट। तो बात करें भाई दिवाली के लिए कुछ डिस्काउंट है हमारे भाई? बिल्कुल, कोई कस्टमर आएगा बेस्ट टू टॉप करवाएगा उसको एंबियंस लाइट फ्री, एमएस लाइट फ्री, हाँ। बहुत बढ़िया, बेस्ट टू टॉप कराने में आपको एमएस लाइट फ्री है। बाकी जो हमारे भैया खड़े हैं ये बताएंगे, सीट कवर की जानकारी भी देंगे, हाँ ना, क्या वारंटी गारंटी। एक बार भैया आ जाओ यार, एक बार बता दो भाई आपसे एक बात जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो अपना नाम शेयर करो दोबारा। मेरा नाम संजय तिवारी है। संजय तिवारी जी, तिवारी भाई ये बताओ मेरे को भैया कि ये जो सीट कवर है इसका डिपार्टमेंट आपका होता है? जी, मेरा मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ, आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है जी। तो ये कौन सा कपड़ा आपने लगाया, कितना चलेगा, क्या वारंटी गारंटी है इसमें? मैं लगाया हूँ शाका, वो भी इंपोर्टेड वाला, शाका लेदर इंपोर्टेड वाला। ये क्या वारंटी गारंटी है? लाइफ टाइम वारंटी है, कुछ भी दिक्कत आए, कुछ भी दिक्कत आए चेंज करके दोगे ना? एकदम चेंज करके दूंगा। बढ़िया। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा दिवाली जैसे चल रहा है जी, भाई बता रहे की MS लाइट बेस्ट टू टॉप पे फ्री देंगे, एकदम फ्री, तो कुछ ना कुछ भाई मिलने वाला है ना दिवाली पे, तो लाइट ही लाइट की जरूरत होती है। सही बात। और जेन्युइन प्रोडक्ट पे कितना परसेंट डिस्काउंट दोगे आप? जेन्युइन पे भी डिस्काउंट है, डिस्काउंट है ना जी, बिल्कुल। तो एक बार मुझे आप अंदर चल के जब थोड़े बहुत पार्ट वार्ट दिखाना जी, तो डिस्काउंट के साथ बता देना आप कि कितने परसेंट हमारे भाइयों को डिस्काउंट मिलने वाला है, मैं उसका फिक्स ही रेट बता दूंगा डिस्काउंट करके। चलो ठीक है, ऐसा कर देना प्रोडक्ट का सामान बता देना कि भाई कितना इसका कितना पड़ जाएगा डायरेक्ट, है ना जी, डिस्काउंट का कलेसी खत्म कर देंगे, कलेसी खत्म की। तो एक बार बात करते हैं इस गाड़ी के ओनर से भाई, उनको ये सारा कुछ कैसा लगा पता कर ले एक बार। हाँ, एक बार पूछ लीजिए। अच्छा, एक चीज और, ये सीट कवर की जो क्वालिटी है कितने से स्टार्टिंग हो जाते हैं हमारे पास? हमारे पास 2500 से स्टार्टिंग है, हो जाते हैं। और ये वाले की रेंज क्या होती है? ये है मतलब मैं इनको डाला हूँ 7,500, 7,500 में। तो क्वालिटी कितने तक होता है, लास्ट कितने तक होता है हमारे पास? मतलब लास्ट तो आप 15,000-20,000 तक का भी है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये 8,000-9,000 के रेंज में छोटी गाड़ी के लिए बहुत बढ़िया, इससे ज्यादा मतलब, ठीक है, मतलब इससे ज्यादा पैसा फूकने वाली बात है। 7,500 में अगर आप लगवा रहे हो तो एकदम ओके चीज है, विद वारंटी के साथ। जी जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बाकी भाई कंफर्ट की बात करें या सिल्वर्ट वगैरह की बात करें, सिल्वर्ट एक नंबर, यहाँ पे कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। और कंफर्ट की बात करें तो फॉर्मिंग एक्स्ट्रा है सब जी, बिल्कुल जी। भैया हमें से एक्स्ट्रा फॉर्मिंग करते हैं, जो ये चीज बाहर निकल के आ रही है, तो ये एक्स्ट्रा फॉर्मिंग का खेल है। एक चीज और बताऊंगा कि मैं नेकरेस्ट फ्री देता हूँ, नेकरेस्ट भी फ्री मिल रहा है आपको उसके अंदर, जो कि लोग 1,000-1,500 पे चार्ज कर लेते हैं, लेकिन मैं कोई चार्ज नहीं किया। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे आपका आर्मरेस्ट भी है जो कि परफेक्टली लग चुका है भाई। तो इसके अंदर जितनी भी जेन्युइन चीज थी, शायद अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो भाई कह नहीं सकता, जैसे पीछे पार्सल ट्रे भी डाली थी हमने, पार्सल ट्रे भी हमने इंस्टॉल करी थी भाई, वो भी दिखाया था आप लोगों को, फिर आप लोग बोलोगे कि भाई वो नहीं दिखाया।
तो ये देखो भाई, ये कुछ पार्सल ट्रे अपनी, और इसके अंदर सिस्टम का जो काम हुआ था वो तो आर पार ही था जी, बिल्कुल है ना, बढ़िया लग रहा। बाकी भाई यहाँ से देखो गाड़ी जो लग रही है ना आपको, पीछे से देखने में पूरी टॉप एंड ही नजर आएगी, इसके अंदर कोई भी कमी नहीं दिखेगी आप लोगों को। गाड़ी बढ़िया है भाई, गाड़ी अच्छी लग रही है और पूरी टॉप एंड बन चुकी है जी, बिल्कुल। किसी चीज की कमी रहेगी इस गाड़ी में? कोई चीज की कमी नहीं है मेरे, अलावा से लेकर सारा कुछ, सारा काम मतलब हुआ है जबरदस्त। बहुत बढ़िया। तो भाई एक बार बात करते हैं इस गाड़ी के ओनर से, उनको ये सब कुछ कैसा लगा? इस गाड़ी की हमने पूरी मॉडिफिकेशन देख ली है, अभी इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या प्राइसिंग थी, लेकिन बात करते हैं पहले इस गाड़ी के ओनर से। कैसे हो भैया? बहुत अमेजिंग भाई। भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया। कैसा रहा सर एक्सपीरियंस? अमेजिंग अमेजिंग, बढ़िया, बहुत अमेजिंग। इनके बारे में पता क्या चला आपको? ये तो मेरे को यूट्यूब देख के और कहीं रेफरेंस के थ्रू, रेफरेंस के थ्रू भी। तो आपने पूरी गाड़ी बेस लेके आए थे, अब सिग्मा मॉडल? सिग्मा मॉडल था इनको, इसको मैंने कन्वर्ट कराया, ऑलमोस्ट आई गेस पूरा अल्फा में कन्वर्ट ही होगी। और आप राजस्थान से हो? राजस्थान से। राजस्थान से भैया, और भैया का काम भी, आपका बाइक के रिलेटेड कुछ काम बता देना आप। अपने काफी सारे ग्रुप चलते हैं ऑटोमोबाइल में, लेकिन जब मैं आया हूँ ये फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट टाइम संजय भैया का जो एक्सपीरियंस है अमेजिंग अमेजिंग। प्राइसिंग, नेचर टू वर्क अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। आई ऑलवेज रिकमेंड, कोई भी बंदा अगर कोई आ रहा है आपकी गाड़ी को अपग्रेड कराने के लिए, संजय भैया के पास आए, ऑटो ड्रीम्स पे आए, 100% आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। प्राइसिंग की बात करें अगर, प्राइसिंग इज वेरी इकोनॉमिकल, जो इन्होंने मार्केट पे, मैंने काफ़ी सर्वे किया, सर्च किया, उसके बाद जब मैं इनके पास आया तो इस ऑलमोस्ट मेरे बजट के हिसाब से सारा मैच कर दिया उन्होंने। बहुत बढ़िया। और अगर बात करें इस सिस्टम की जो आपने लगाया है इसके अंदर, जैसे वूफर आपका खुद का था, मोरल के कॉम्पोनेंट एंड कोएक्सल लगाए, अब आवाज़ जो आ रही है वो कैसी लग रही है? अमेजिंग, सही, बढ़िया, बिल्कुल सारी चीज़ भैया ने बोली अमेजिंग है। अमेजिंग ऑटो ड्रीम्स के लिए ओके, दोनों तरफ से चीयर्स है। चलो बहुत बढ़िया। वाइन की बॉटल नहीं है अदरवाइज मैं वो भी खोल देता हूं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसकी ना आप आवाज़ में एंजॉय कर लो भाई। आई होप कि भाई आपको समझ में आ गई होगी आवाज़ किस तरह की इस गाड़ी की। एक बार बंद कर देते हैं इसको। आवाज़ तो भाई बढ़िया लग रही है क्योंकि इसमें बेस वगैरह भी इंस्टॉल हो रखा है, तो वो जानेंगे भाई इसके अंदर कौन कौन से एम्पलीफायर क्या चीज़ लगाई भाई ने, जो आवाज़ को इस तरह की आ रही है। बाकी आप लोग एयरफोन का यूज़ कर लेना भाई, आप लोगों को आर पार मतलब मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल बढ़िया। एक बार आप इसका फ्रंट कैमरे की क्वालिटी भी चेकआउट कर लो। ये देखो भाई, ये मेन्यू है इसका नीचे वाला, और भाई इस पर बिल्कुल एक बार में ये लो भाई, ये फ्रंट है। हाँ भाई, और बैक करना पड़ेगा अगर हमें, तो गाड़ी हमारी ऑफ है ना, ठीक है। एक बार बैक बैक गेट डालना, ये लो भाई, ये आ गया आपका बैक कैमरा। तो दोनों की क्वालिटी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है भाई। तो अगर आपको चलते हुए करना है तो बस क्लिक करो और फ्रंट कैमरा चलता रहेगा। बहुत बढ़िया भाई, ये क्वालिटी देख रहे हो भाई, अमेजिंग क्वालिटी है। भैया पीछे खड़े हो गए हैं दिखाने के लिए, भाई एक बार क्वालिटी देख लो कैसी लग रही है। कोई भी बंदा आपको फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा नॉर्मल स्टूडियो में नहीं लगाएगा। अच्छा, नॉर्मल स्टूडियो के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है? मैं सब कुछ किया हूँ। बहुत बढ़िया, कोई भी बंदा ये नहीं कर पाएगा। आपको कोई मार्केट में बोलेगा आपको स्टूडियो चेंज करना पड़ेगा, तब आगे अभी से चालू होगा। बहुत बढ़िया, तो स्टूडियो चेंज करने की जरूरत नहीं है भाई, नॉर्मल के अंदर ही आपको फ्रंट कैमरा भी करके देंगे। बहुत बढ़िया भाई, तो ये थी कुछ गाड़ी की मॉडिफिकेशन भाई, जो कि आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके बता देना। और इनका नंबर साइड में आ रहा है, और ये कुछ इनका बोर्ड है भाई, दोनों साइड में नंबर आ रहा है, कॉल करो और भैया से बात कर लो, अपनी गाड़ी को मॉडिफाइड पूरा बेस टू टॉप आप लोग यहाँ पे आके करवा सकते हो। आप लोगों को ना अभी तक ये नहीं पता चला होगा इसका प्राइस एक्चुअल में था क्या, तो बात कर लेते हैं एक बार इसके DRL की। DRL भैया हम कितने में लगा के दे देते हैं कस्टमर को? 11,500 में विद इंस्टॉलेशन के साथ हम दे देंगे। बात करते हैं ये जो ग्रिल आपने पियानो ब्लैक करी है, इसका क्या राज है? इसका लगेगा 2,500 रुपया, ओनली 2,500। हेडलाइट में LED जैसे हम इसे डलवाते हैं, क्योंकि हमें टॉप मॉडल की लाइट की जरूरत है नहीं इस गाड़ी में, सिर्फ LED चेंज करा लो आर पार हो जाती है। तो बात करते हैं LED अपने पास कितने से स्टार्टिंग हो जाती है? इसमें तो यहाँ पे स्टार्ट कई रेंज है, लेकिन हाँ। मैं इसमें 4500 का डाला, 4500 का डाला है। वैसे स्टार्टिंग कितने, 2,000-2,500 से स्टार्ट हो जाती है? यही है, यही। और एंड की बात करें तो 6,000-7,000, ठीक है। और बात करते हैं अलॉय व्हील का, मेन बात होती है अलॉय व्हील, क्योंकि लोग लगवाना चाहते हैं पर लोगों को अच्छे रेट नहीं मिलते हैं। तो हम बात करें अगर अलॉय व्हील हम लगा रहे हैं तो अप्रोक्स क्या प्राइस रहेगा? अलॉय व्हील में लगाया हूँ फिक्स में 27,000। 27,000 में, 27,000 में आपको अलॉय व्हील मिल जाता है बेस टू टॉप के लिए। बात करते हैं टेल लाइट, अब दो चीज़ों की पूछेंगे, मोटी मोटी तीन चीज़ों का, मोटी मोटी, एक तो साइड मिरर, एक पीछे की टेल लाइट, और एक आप स्टेयरिंग बता देना, और एक एम्बिएंट लाइट ही बता देना। साइड मिरर की बात करें भैया, 10,500। टेल लाइट कनेक्टेड वाली फिट करके पड़ेगा 9,500 का फिट करके पड़ेगा। स्टेयरिंग
स्टेरिंग का है सर 3500 रुपये। 3500 रुपये ओनली। और बात करते हैं इसकी एम्बियंट लाइट, एम्बियंट लाइट है 4500। 4500 लेकिन आपने कहा था हम आपको वेस्ट टॉप में फ्री डाल के देंगे, वो तो आगे के लिए है ना। पक्की बात है ना, दिवाली ऑफर है ना, दिवाली और आपका छठ पूजा भी, जी बिल्कुल, दोनों चीजों पे ये चीज हमारे कस्टमर को देनी है आपने, ठीक है। तो इस तरह के तो भाई अपनी गाड़ी को आप मॉडिफाई करा सकते हो। मैंने मोटी मोटी आपको एक आइडिया दे दिया भाई, फ्रंट साइड की तीनों चीजों का आइडिया दे दिया, साइड का भी आपको इन दोनों का आइडिया मिल गया, बैक का भी मिल गया, इंटीरियर में आपके सीट कवर का भी हमने आइडिया दे दिया था, स्टेयरिंग का आइडिया दे दिया था। म्यूजिक प्लेयर की बात करें तो इनके पास जो म्यूजिक प्लेयर है वो शायद 4000 से स्टार्ट हो जाता होगा, है ना, 4000 से स्टार्ट होता है। बाकी स्पीकरों में रेंज बहुत सारी आती है, एंड्रॉइड में रेंज बहुत सारी आती है, आप चाहो तो कुछ भी देखो और लगवाओ, है ना। अवेलेबिलिटी इनके पास हर एक कंपनी की है, हर एक चीज़ की अवेलेबल है। बाकी अगर मैं बात करूँ शॉप की, तो भाई ये कुछ हमारी शॉप है जिसके अंदर आपको तरह तरह के एंड्रॉइड मिल जाते हैं, जैसे देखो लाइन से रखे हुए हैं अलग अलग कंपनी के एंड्रॉइड हैं सारे, अलग अलग कंपनी के स्पीकर हैं, डीडी वगैरह सारे भैया ने रखे हुए हैं यहाँ पे, स्पीकर सारे मिल जाएंगे आपको हर एक कंपनी के। बात करते हैं जेन्युइन वाले सामान की, तो भाई ये नेक्सा जेन्युइन है, ये सारे अलॉय व्हील हैं इसके, नेक्सा जेन्युइन वाले, ये मारुति सुजुकी का है। उसके बाद बात करते हैं भाई ये देखो इसमें क्या है भैया, ये डीआरएल है, इसमें डीआरएल मिल जाएगी आपको भाई, जो हेडलाइट में होती है लेफ्ट राइट, ये देखो भाई मतलब है इसके अंदर, खाली डब्बे नहीं है इसमें, डीआरएल पक्का रखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं भैया इसमें क्या है, कनेक्टेड वाली टेल लैंप है ना, और इनके पास कितनी है वो भी दिखा देता हूँ भाई, 1 2 3 4 5 6 टोटल कितनी होगी, वो देखो 4 उधर ही पड़े हुए, मतलब अलग अलग इन्होंने फैला रखे हैं चीजें। तो ये सारे क्या है भैया, ये सारे के सारे आपके फ्रोन्स के आर्मरेस्ट है जो कि हमने इस गाड़ी के अंदर भी इंस्टॉल किया था ना। तो भाई इन सब का अगर आपको प्राइस, जो चीज़ मैंने नहीं बताई अगर आपको जानना है तो इनके पास इनके नंबर पे कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना, ताकि आपको सारा एस्टिमेट दे देंगे और आप दिवाली तक इस ऑफर का आनंद लीजिए। किसी चीज़ पे मत जाओ भाई, 40% 50% 100% डिस्काउंट मत जाओ, सीधा इनसे बात करो और ये आपको देंगे बेस्ट प्राइस। फिलहाल के लिए करते हैं भाई वीडियो को एंड, मिलते हैं फिर किसी एक नई फ्रोन्स के साथ। टिल देन ऑटो ड्रीम कार एसेसरीज़।